अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ बीफ की बोंग की नहारी। मैंने सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने बीफ की बोंग ली है, तकरीबन हाफ के जी दही, हाफ कप से थोड़ा कम है, एक छोटी सी प्याज जो मैंने स्लाइस करके रख ली है, तकरीबन पौन कप ऑयल, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, ये मैंने लिया है क्या कहते हैं लौंग और सौंफ को हाफ टी स्पून सौंफ लिया है और 5-6 लौंगे, और इनको मैंने बारीक कर लिया है। और ये लिया है मैंने क्या कहते हैं निहारी का मसाला। अच्छा जी, अब मैं शुरू करती हूँ प्रोसेस। और सबसे पहले हम चूल्हा जलाएंगे और इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालेंगे, चलें जी, थोड़ा सा ये ऑयल गर्म हो जाए। इतनी देर में हम लोग करते हैं क्या कहते हैं सारे मसाले मिक्स। ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जो हमने ये छोटी सी एक प्याज काटी थी स्लाइस करके, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, और फिर हम इसको कर लेंगे। जब तक हम दही के अंदर मसाले मिलाते हैं, दही में हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर सारा, और ये सौंफ और लौंग जो हमने पीस के रखी थी वो डाल देंगे, और ये निहारी का मसाला, आप कोई भी ले सकती हैं निहारी का मसाला, ये डालेंगे। और हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे दही के अंदर, और आप देखिएगा ये निहारी बहुत बहुत मज़े की बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। हमने इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया। चलें जी, अब वो ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं प्याज जो हमने स्लाइस करके रखी थी। ये सारी प्याज हम इसमें डाल देते हैं और हम इसको करते हैं हल्का सा फ्राई। ये हल्की सी पिंक हो जाएगी तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। तो ये आप यकीन माने बहुत अच्छी। अच्छा, अभी मैंने जो इसमें हाफ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है, लेकिन जब हम नहारी पक जाएगी तो हम फिर उसे भगार जब करेंगे तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालना पड़ेगा। लेकिन अभी ज़ाहिर गोश्त गलेगा, टाइम लगेगा इसमें, तो ये पहले प्याज हल्की सी फ्राई हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम इसमें सारी चीज़ें गोश्त डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसलिए कि अभी हमने लहसुन अदरक नहीं डाला है, वो हम गोश्त के साथ डालेंगे। पहले गोश्त को हल्का सा फ्राई करेंगे, जब गोश्त फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने 1 टीस्पून भर के लिया है हम वो डालेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये नहारी बहुत बहुत पसंद आएगी, आप लोग बाज़ार की नहारी भूल जाएंगे, बहुत शानदार नहारी बनती है। बस ये होता है कि नहारी के लिए ना बोंग का गोश्त आप लेंगे तो बहुत अच्छी नहारी, वैसे तो कोई भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस से आप चिकन की भी नहारी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। कभी मैं आपको चिकन की नहारी भी बना के दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी बनती है। बस ये हल्की सी होने वाली है प्याज, हमें ये ज़्यादा नहीं करनी, ये हमें ज़्यादा नहीं करनी है, ये हल्की सी प्याज हो जाए फ्राई। बस हल्का सा गुलाबी कलर हमें चाहिए होता है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा अगर हम इसको डार्क कलर कर लेंगे ना तो फिर ये सालन बहुत कलर डार्क डार्क सा हो जाता है, जो खाने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। चलें जी, अब हल्की सी पिंक हो गई है हमारी प्याज, अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। और हम ये प्याज इसलिए डाल के फ्राई करते हैं कि उसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये देखिए, अब मैं ये इसमें डालूंगी
अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको इसके साथ हम मिक्स कर देंगे। देखें अब इसके अंदर से बहुत अच्छी लहसुन अदरक की खुशबू आ रही है, ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। अच्छा, अब हमने जो दही के अंदर मसाले रखे थे मिला के ये वाले, अब हम इनको जो है सबको इसमें मिक्स कर देंगे। नहा मसाला और जो भी सब चीज़ें हमने इसमें डाली थी इन सबको इसमें मिक्स कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ये ज़रा सा भुन जाएगा, थोड़ा सा इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये जो है थोड़ा सा भुन जाए, फिर हम इसमें पानी डाल के गोश्त गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है, और अभी तो खैर अभी इसका प्रोसेस बाकी है, अभी तो काफ़ी सारा प्रोसेस है इसका। अच्छा जी, अब ये भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। अब हमने इसमें 2 कप पानी डाल के और हमने इसको गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। जब ये गोश्त गल जाएगा फिर बाकी का प्रोसेस मैं आपको जब बताऊंगी। अच्छा जी, गोश्त हमारा गल चुका है और हमने इसमें पानी डाल दिया है कि जितना हम इसका रखना चाहते हैं उतना इसका आप जितना शोरबा रखना चाहें उतना इसमें पानी डाल दें। फिर उसके बाद हमने देखें ये 2 टीस्पून आटा जो उसको हमने हल्का सा भून लिया तवे पे फ्राई पैन में भून के, और हमने इसके अंदर क्या कहते हैं इसको प्याली में रख लिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, और हम इसको बिल्कुल पतला सा बैटर बना लेंगे इसका। इससे कि ये जो हमारी नहारी है ना इसमें इतना शोरबा सही है, और अब हम इसमें जो है इसको अच्छी तरह इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए बस बहुत अच्छी तरह इसको फेटेंगे और इसको पतला सा बना लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे जब हम इसको नहारी के में मिक्स करेंगे तो हम पूरा एक साथ नहीं मिक्स करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और स्पून से चलाते जाएंगे। जब हमें देखेंगे कि कितना हमें थिक रखनी है नहारी, कि बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो बहुत ज़्यादा लिक्विड पतली भी ना हो, तो हम उसके हिसाब से। अब देखें इसके सारे लम्स जो है ना वो निकल चुके हैं, ये देखिए सारे लम्स निकल चुके हैं, और ये देखिए जनाब थोड़ा सा पानी में और डाल देती हूँ, थोड़ा सा और ये पतला हो जाए, देखिए बिल्कुल सही हो गया। अब हम फ्लेम को करेंगे थोड़ा स्लो,
इसलिए इनको करेंगे हम थोड़ा सिलो और हम जो है ना इसको लिक्विड को हल्का सा स्पून से हिलाएंगे ऐसे करके पूरा लिक्विड को और हम इसको इसमें डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। ये मैंने आधा बचा लिया है, अब मैं इसको स्पून से इसको देखूंगी कि ये कितना हुआ है। नहीं अभी ये ज़्यादा, ये देखिए अभी ये ज़्यादा ठीक नहीं हुई है नहारी, थोड़ा सा हमें और डालना पड़ेगा। ये देखिए अच्छा जी, फौरन ही आप इसमें ना स्पून से इसको हिलाते जाइए। ये देखिए इस, ये देखिए ये इसकी थिकनेस आ गई इसके अंदर। ये देखिए बस, अब हम इसको ना हल्की आंच पर रख देंगे ताकि इसका आटे का जो हमने आटा इसमें भून के डाला है इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छी हो जाए। तो अब मैं इसको थोड़ी देर बाद फिर इसको क्या कहते हैं ना खोलूँगी और फिर देखूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी नहारी बिल्कुल रेडी हो गई है और देखें देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। मैंने इसमें अभी एक छोटी सी प्याज का बघार किया है, अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आप देखिएगा ये कितनी अच्छी और मज़ेदार नहारी। देखें पूरी बोंग की साबुत बोटी जैसे बाज़ार में मिलती है। ये देखिए अब आप चाहें तो इसको बीच में से इसको तोड़ सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल गल चुकी है ये बोंग बिल्कुल। अच्छा जी देखिए ये हमारी शानदार सी नहारी बन गई है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें। थोड़ी सी अदरक जो इसमें बहुत अच्छी लगती है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नींबू और पुदीना हरा धनिया वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब आप मुझे टेस्ट बनाइएगा ऐसी नहारी और मुझे टेस्ट करके बताइएगा कि मैंने नहारी कैसी बनाई थी। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।